हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण संबंधित से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रिज तथा एसी में ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फ्रिज तथा एसी में हम ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? फ्रियान गैस का प्रयोग करते हैं। फ्रिज तथा एसी से कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो है कि फ्रिज और एसी से गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा जो है कि नायलॉन है। अगला प्रश्न है, कांच किन तत्वों का मिश्रण है? तो कांच जो है बालू एवं सिलिकेट तत्वों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस जो है वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है कि हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जो कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इसमें कई हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड या अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, घास में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो घास में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किस कारण पीला होता है? तो गाय के दूध का रंग जो है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पीला होता है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का रंग किस कारण पीला होता है? तो पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है कि पृथ्वी में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो कौन सा धातु है जो कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में पृथ्वी में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम जो है। ऑस्मियम जो है कि पृथ्वी में सबसे भारी मात्रा में धातु पाई जाती है, उसे हम ऑस्मियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु है? लिथियम है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है?
यह हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है कि मूली में तीखापन किस कारण होता है, तो मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा मूली में तीखापन होता है? आइसोसाइनेट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आलू का हरा रंग किस कारण होता है, यह सेलेनिन के कारण ही आलू का हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, यह लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। मिर्च में तीखापन किस कारण होता है, तो मिर्च में तीखापन जो है कैप्सोसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है शलजम में तीखापन किस कारण होता है, तो शलजम में तीखापन कैल्शियम ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि प्याज में गंध किस कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल के कारण ही प्याज में गंध होता है। अगला प्रश्न है मिर्च में लाल रंग किस कारण होता है, तो कैप्सेथिन के द्वारा मिर्च में लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है, तो गाजर का नारंगी रंग जो होता है कैरोटीन के वजह से गाजर का रंग क्या होता है, नारंगी रंग का होता है। अगला प्रश्न है कि गाजर में लाल रंग किस कारण होता है, यानी कि जो गाजर है उसमें जो लाल रंग है वह किसके कारण होता है, तो वह एथोसाइनिन के कारण होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।